दोस्तों ये हमने हायर की यहाँ पे बाइसाइकिल। तो चलते दोस्तों अब हडिम्बा देवी के दर्शन करते हैं। और इस साइकिल में 500 रुपीस रेंट पे करके हमने ये बाइसाइकिल हायर की है। काफी अच्छी है, आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। साथ में हेलमेट भी हमें मिला है। तो चलते अब इसमें मैं आपको माता हडिम्बा देवी के दर्शन करवाता हूँ। अभी से हम सीधे मंदिर की ओर जा रहे हैं इस तरफ से। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से है दोस्तों स्टेयर्स मंदिर के लिए। अब यहाँ से हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, सीधे चलेंगे हडिम्बा देवी टेम्पल की ओर। दोस्तों देवदार के घने वृक्षों के मध्य उपस्थित यह सुंदर मंदिर देवी हडिम्बा जी को समर्पित है, जिनका वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। दोस्तों मनाली के ओल्ड मनाली में बसा हडिम्बा देवी मंदिर लगभग सन 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों प्राचीन कथा के अनुसार माता हडिम्बा महाभारत काल में एक विशेष कार्य की पूर्ति के लिए राक्षस कुल में पैदा हुई थी। यह अपने भाई हडिम्ब के साथ रहती थी, जो कि बहुत बलशाली था और सारे क्षेत्र में उसकी दहशत थी। तो जब पांडवों के अज्ञातवास के समय भीम व हडिम्बा का मिलन हुआ तो वो हडिम्ब को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके विरोध स्वरूप उसने भीम जी को युद्ध के लिए ललकारा। तो दोस्तों कई दिनों तक दोनों में भीषण युद्ध हुआ और अंत में भीम ने उसको मार गिराया। तो इसके पश्चात माता कुंती के आशीर्वाद से भीम व हडिम्बा का विवाह हुआ और शर्त यह थी कि भीम केवल संतान होने तक ही हडिम्बा जी के साथ रहेंगे और उसके बाद अपने भाइयों व माता के साथ चले जाएंगे। तो दोस्तों माता कुंती अपने 4 पुत्रों के साथ भीम को हडिम्बा संग छोड़कर आगे निकल जाते हैं। तो ठीक 1 वर्ष बाद हडिम्बा को पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम कटोत्कच रखा गया। तो दोस्तों यही कटोत्कच जी महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जब कर्ण के द्वारा छोड़े गए अचूक शस्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन के प्राण बचाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद माता हडिम्बा जी ने यहाँ पर अपना राक्षसी स्वरूप त्याग कर कई वर्षों तक तपस्या की। और मंदिर के अंदर अगर आप जाएंगे तो एक विशाल शिला के नीचे माता हडिम्बा के चरण हैं और पीछे बड़ी शिला के साथ महिषासुर मर्दिनी के दर्शन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मई के महीने में माता हडिम्बा के जन्मदिन के अवसर पर मेला मनाया जाता है और कुल्लू का दशहरा भी माता हडिम्बा के द्वारा शुरू किया जाता है। राज परिवार के सदस्य आज भी माता हडिम्बा को दादी मानते हैं व कुल्लू के दशहरे पर माता हडिम्बा की पालकी का भव्य स्वागत कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो मंदिर के पास दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप फोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं, थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। इन देवदारों के घने वृक्षों ने दोस्तों अपनी ही सुंदरता यहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ सामने आप बोर्ड पे मंदिर की हिस्ट्री वगैरह और मंदिर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इन सब इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ वीर घटोत्कच जी के मंदिर में, जो कि हडिम्बा देवी मंदिर से बहुत ही नज़दीक है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं यह आपको सीधे मंदिर की ओर लेके जाएगा। यहाँ पे दोस्तों छोटे मोटे खाने पीने के स्टॉल आपको देखने को मिलेंगे और कुछ गेम की एक्टिविटीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों माता हडिम्बा देवी के दर्शन करने के बाद हम आए हैं वीर घटोत्कच जी के दर्शन करने। तो दोस्तों यह मंदिर ठीक हडिम्बा देवी मंदिर के ही पास में है। तो दोस्तों वीर घटोत्कच जी का जन्म माता हडिम्बा, जो कि राक्षसी कुल में जन्मी थी, उनकी कोख से खास प्रयोजन के लिए हुआ था। इनके पिता दोस्तों पांडवों के भाई भीम थे और दोस्तों इनका जन्म सूर्यपुत्र कर्ण के अमोघ शस्त्र को अपने बलिदान से नष्ट करने के लिए ही हुआ था। दोस्तों महाभारत में कौरव सेना का विनाश करते हुए कर्ण के ऊपर आत्मघाती आक्रमण करके अपना बलिदान देकर कर्ण के अमोघ शस्त्र को नष्ट किया और कृष्ण भगवान के धर्म की जीत के संकल्प को साकार किया था। तो दोस्तों वीर घटोत्कच जी का यह पूजा स्थान आदिकाल से ही यहाँ पर स्थापित है। जन्म जन्मांतरों से यहाँ पर वीर घटोत्कच जी की पूजा की जाती है।
तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि वीर घटोत्कच जी का कितना बड़ा योगदान था धर्म की जीत के लिए। तो दोस्तों जब भी आप मनाली आओगे तो माँ हडिम्बा देवी और वीर घटोत्कच जी के दर्शन करना ना भूलिएगा। ये कुछ एक्टिविटीज़ जो आप सामने देख रहे हैं ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मंदिर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए TNT रैलिश।